दोस्तों, अगर आप भी योनो SBI ऐप से किसी को भी 25,000 रुपए से ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए योनो SBI में बेनिफिशियरी लिमिट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि योनो SBI में बेनिफिशियरी लिमिट को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को लॉगिन पर क्लिक करना है। एक योनो SBI ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को करना है क्या है, एमपिन अपना डाल लेना है। एमपिन जैसे ही आप डाल लेंगे तो एमपिन डालने के बाद ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसके बाद आप सभी को योनो पे वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आप सभी को इतमान है, मैं सीधा डायरेक्टली आप सभी को बताता हूँ। फिर योनो पे पे जाने के बाद बैंक अकाउंट पे चले जाना है। बैंक अकाउंट पे जाने के बाद आप सभी को पे अ न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। और उसके नीचे आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र अप टू 25,000 इंस्टेंटली लिखा है, तो पे अ न्यू बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड आप सभी को डाल लेना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप सभी को सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब दोस्तों, आप सभी जिस भी बैंक में अपना अकाउंट मतलब पेमेंट करना चाहते हैं, वो SBI का है या अदर बैंकिंग का है, आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं भेजना चाहता हूँ तो वो SBI का, तो SBI पर क्लिक करेंगे। अगर अदर का है तो ये देखिए अदर पर आ जाएंगे, नहीं तो SBI पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नेम डालना है या अकाउंट नंबर डालना है या री इंटर अकाउंट नंबर डालना है और मैक्सिमम लिमिट डालनी है, निक नेम डालना है। उसके बाद नीचे एक रिमार्क का ऑप्शन भी आता है। तो आप सभी को करना क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल कर लीजिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पर देखा कि मैंने नाम डाल दिया, और नाम आप सभी को ये याद रखना है कि जो अकाउंट होल्डर नेम होगा वो आपको डालना है, अपना नाम नहीं डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है। फिर उसका अकाउंट नंबर डालना है, फिर री एंटर अकाउंट नंबर डालना है, और जो लिमिट बढ़ानी है उसके लिए आप कितनी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे मान लीजिए 50,000 तक उसको भेजना चाहता हूँ तो 50,000 लिमिट कर देंगे। फिर उसके बाद निक नेम में मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे निक नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ जिससे कि उसको जो है ये पता चल जाए कि ये पैसे जो है किसने भेजे हैं। निक नेम में मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर आप सभी को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप सभी के सामने जो है लिख के आ जाएगा कि किसके पास जो है वो भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर क्या है, वो इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है इस तरीके से पेइंग डिटेल्स लिख के आ जाएगी। अब दोस्तों, आप सभी को करना क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर आप सभी को अमाउंट लिख देना जितना भेजना चाहते हैं। अभी फिलहाल एक्टिवेट करने के लिए आप सभी को 1 रुपये भेजना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट अ पर्पज पे क्लिक करना है, अदर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों रिमार्क में आप सभी को लिख देना है कि यहाँ पे लिखना है एडमिशन या कुछ भी लिख सकते हैं, एडमिशन फ़ी या इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरी एडमिशन फ़ी है तो इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। अब इतना आपने कर लिया, सारा कुछ कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है 50,000 की आप सभी ने कर दी, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी को करना क्या है, पे पर आपको क्लिक कर देना है। पे पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मैं पे पर जाता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ पे पर। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जो है 1 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर देना इस बैंक अकाउंट में। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। तो आप सभी को जो है OTP जो है यहाँ पे मैनुअल जो है डाल देनी है। तो यहाँ पे OTP मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो OTP आ चुकी है, OTP है 86 55 87 OTP मैंने फिल कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। ये देखिए अकाउंट नंबर का है, ये लिमिट भी, ये देखिए यहाँ पे यू एडेड थर्ड पार्टी ऑन, ये सब कुछ आ गया। और यहाँ पर ये लिमिट जो है, अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये लिमिट जो है वो बढ़ी है कैसी है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप सभी को ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और जो अकाउंट आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर, तो इनएक्टिव अकाउंट है, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट ब्रांच। ये इसलिए इनएक्टिव दिखा रहा है, ये वाला देखिए इनएक्टिव इधर भी दिखो। ये अभी जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़े टाइम बाद जो है ये जो है थोड़े टाइम बाद एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएंगे अकाउंट,
तो आप इनकी लिमिट के हिसाब से जो है वो पेमेंट जो है आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से योनो SBI में बेनिफिशियरी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।